हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो भाई आज अपने पास है द ऑल न्यू बजाज प्लेटना 100 सीसी। ओवरऑल चार कलर ऑप्शन के साथ ये गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाती है। फर्स्ट अपना रेड ब्लैक रहने वाला, सेकंड अपना ब्लू ब्लैक रहने वाला, थर्ड अपना गोल्डन ब्लैक एंड फोर्थ अपना ग्रे ब्लैक रहने वाला। तो चार कलर ऑप्शन आते हैं। ऑन रोड प्राइस जयपुर की बात करूँ जेएम बजाज पर 80,400 रुपये इस बाइक की ऑन रोड कॉस्टिंग आपको मिल जाती है। इसके अंदर आपका RTO इंश्योरेंस एंड एसेसरीज आपकी आ जाती है। बात करते हैं अगर इसके एक शोरूम प्राइस की, तो अप्रॉक्सीमेटली 65,862 रुपये इस बाइक की एक शोरूम प्राइस मिल जाती है। अब इस पैकेज के अंदर आपको इस बाइक में क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है, क्या क्या फीचर फंक्शन एंड कितना ये माइलेज आपको निकाल कर देती है, जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर बात करते हैं इसकी कंफर्ट की, तो कंफर्ट के अंदर पीछे में आपको जो है अपने डबल स्प्रिंग सस्पेंशन इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से आप एक बार देख सकते हैं, जो कि आपकी कंफर्ट को और अच्छा इंक्रीज कर देते हैं। आगे की तरफ यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाए, जिनका ट्रेवल वगैरह काफ़ी अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली 135 mm इनका आपको ट्रेवल देखने के लिए मिल जाता है। अब दूसरी बात यह कि यहाँ पर आपको 100 के पीछे भी कंफर्ट एक की बेजिंग मिल जाती है। तो कंफर्ट आप इसकी सीट को भी आप कह सकते हैं, इसकी सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग इसकी सीट रहने वाली है, तो ये भी एक कंफर्टेबल के मामले में काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पर आपको स्ट्रीचिंग वगैरह में थोड़ी बहुत देखने के लिए मिल जाती है। बात करें अगर इसके फ्यूल टैंक एरिया की, तो 11 लीटर का यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक दे रखा है, जिसके ऊपर आपको प्लेटना लिखा हुआ मिल जाएगा। रेड कलर के ग्राफिक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जो काफ़ी अच्छे लगते हुए ये आपको गोल्डन कलर में प्लेटना लिखा हुआ मिल जाता है। बात करते हैं अगर इसके फ्रंट एरिया की, तो फ्रंट में आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पर आपको LED के अंदर एक DRL दे रखा है, जो किस टाइप से अगर बाइक ऑन करते हैं तो इसकी लाइट ऑन नहीं होती, ओनली फॉर DRL ही ऑन रहता है। लाइट के लिए यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड स्विच मिलता है, जिससे आप लाइट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी बेस्ट रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एलोजन के अंदर यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स दे रखे हैं, जो कि फ्लेक्सिबल आते हैं भाई, किसी मोड़ो तोड़ो आप इनको कुछ नहीं होता है। दूसरी बात ये कि अगर बात करें फ्रंट के टायर की, तो यहाँ पर आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। और टायर की बात करते हैं, यहाँ पर आपको ट्यूब वाले टायर मिलते हैं 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ में। अगर आप बाद में चाहें, जैसे आपके टायर घिस गए, तो बाद में आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं ट्यूबलेस के अंदर, तो ये एक आपके पास ऑप्शन रहता है। इसी के साथ अगर ब्रेकिंग की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है। आगे भी आपको ब्रेक है, पीछे वाला मतलब यहाँ पर आपको एंटी स्किड ब्रेकिंग, तो यहाँ पर आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम की मशीन मिल जाती है। ये मैकेनिज्म दे रखा है, जो कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम में काम में आता है, यानी पीछे का ब्रेक आपका 70% के अप्रोक्स अप्लाई होता है और आगे का आपका 30% अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पर अगर वाइचर वगैरह पे देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी आपको रेड कलर के अंदर कुछ ग्राफिक्स वगैरह मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी स्पोर्टी लुक यहाँ पर आपको निकाल के दे देते हैं। इसके साथ अगर बात करते हैं इसके टैंक एरिया की, तो यहाँ पर आपको 11 लीटर का टैंक है, जिसके ऊपर आपको ग्राफिक्स मैंने दिखाई दिए हैं। पैनल के ऊपर भी यहाँ पर आपको ग्राफिक्स दे रखे हैं, पीछे आपको यहाँ पर फेरी के ऊपर भी ग्राफिक्स मिल जाते हैं। 100 कम्फर्ट एक की यहाँ पर आपको बेचिंग मिल जाती है। इसी के साथ साथ अगर रियर की बात करते हैं, तो रियर में आपको इस टाइप से हैलोजन के अंदर बल्ब मिल जाता है, बाकी वही दो इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। रियर का मडगार्ड काफ़ी सही रहने वाला है। बात करें अगर इसके नीचे फुटरेस्ट वगैरह की, तो यहाँ पर आपको पीछे की तरफ साड़ी गार्ड एंड लेडीज़ फुटरेस्ट मिल जाता है। इसी के साथ इसका जो पीछे का फुटरेस्ट होता है, ये काफ़ी आपको ब्रॉड देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर आपको एक गियर पेडल वगैरह दे रखा है, साइड स्टैंड वगैरह, साइड स्टैंड मैन स्टैंड दोनों यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी मिल जाता है। बात करें अगर इसके इंजन की, तो यहाँ पर आपको 102 cc का एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि जनरेट करता है 7.9 PS की पावर एंड अप्रॉक्सीमेटली 8 Nm का टॉर्क। इजीली इंजन आपको 90-100 तक का माइलेज निकाल देता है। बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको फ्यूल टी का ऑप्शन मिलता है इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर के साथ में। यहाँ पर आपको FI वगैरह का सिस्टम नहीं दे रखा है, एंड यहाँ पर आपको ये थोड़ा इंजन कूलिंग वगैरह भी बजाज की बेटर चुकी है, यानी पहले बजाज की बाइक जल्दी गर्म हो जाती थी, भाई वो वाला सीन अब नहीं रहा है। यहाँ पर बात करें इसके एग्जॉस्ट की, तो यहाँ पर आपको कैथलेटिक कन्वर्टर वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। और लास्ट में इस बाइक का मैं आपको साउंड भी सुना दूंगा। रियर में अगर यहाँ पर देखेंगे, तो भाई यहाँ पर आपको प्लास्टिक के अंदर चेन कवर वगैरह देखने के लिए मिलता है, जो कि पूरा ब्लैक अपना रहने वाला है। बाकी इंजन वगैरह इस टाइप से है। इंजन वारंटी अगर की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको 5 साल 75,000 किलोमीटर के इंजन की वारंटी मिल जाती है। 1 साल के पर आपको बैटरी की गारंटी मिल जाती है, जो काफ़ी बेस्ट रहने वाली है। बात करें अगर इसके हैंडल की, तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड लाइटिंग का स्विच दे रखा है, सेल्फ ऑप्शन मिल जाएगा, पास का लाइट का स्विच दे रखा है, लो बीम हाई बीम इंडिकेटर एंड हॉर्न का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको सिंगल रोड में हैंडल बार दे रखा है, मीटर कंसोल आपको इस टाइप से मिल जाता है एनालॉग के अंदर, इजीली 90 तक ये पहुंच जाती है। न्यूट्रल लाइट, बैटरी माल फंक्शन लाइट यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ पर इनको इंडिकेटर की लाइट बीच में दे रखी है। बाकी फ्यूल गेज वगैरह ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है। USB पावर चार्जिंग वगैरह इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। प्लेटना के कोई से वेरियंट में आपको USB चार्जिंग पॉइंट वगैरह नहीं मिलते हैं। बाकी प्राइस वगैरह मैंने बता दिया। अगर बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ये बाइक के अंदर आपको 200 mm का सबसे ज़्यादा सेगमेंट की ग्राउंड क्लियरेंस देने वाली बाइक है। 200 mm का यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। सैटेलाइट अप्रॉक्सीमेटली 835 mm के समथिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई थी 80,300 के समथिंग इस बाइक की ऑन रोड प्राइस जयपुर रहने वाली है। अब उस साइड से एक बार इसे देख लेते हैं अपन।
तो यहाँ पर आपको किक वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, रियर का पेडल मिल जाता है, ब्रेक का, एग्जॉस्ट के ऊपर यहाँ पर आपको एक प्लेट मिल जाती है क्रोम के पार्ट्स के अंदर। बाकी ग्राफिक्स वगैरह अपने सेम ही बिल्कुल रहने वाले हैं। अब एक बार इसका अपन इंजन साउंड सुन लेते हैं। वन सेल्फ में इजीली स्टार्ट हो जाती है। OBD2 सेंसर एप्लीकेशन वाली बाइक है भाई, P20 अगर आप देख सकते हैं। काफ़ी साइलेंट इसका इंजन रहने वाला है। दूसरी बात यह है कि भाई ये गाड़ी खर्चा कम मांगती है और चलती ज़्यादा है, यानी लो मेंटेनेंस बाइक है आप इसे कह सकते हैं। और पीछे में भी यहाँ पर आपको जो 17 इंच के टायर है ट्यूब वाले हैं बस। और दूसरी बात ये कि JK के यहाँ पर आपको टायर मिलते हैं। बाकी तो पूरी ओवरऑल देख ली, एक बार आप और देख लीजिए इसे आगे पीछे से, 360 व्यू इस टाइप से कुछ फ्रंट का लुक है। साइड में से भी काफ़ी बढ़िया है। कर्व वेट की अगर बात करूँ इस बाइक के तो 117 यानी 117 किलोग्राम इस बाइक का आपको कर्व वेट मिल जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाइक बहुत अच्छी है, अगर आपको एक कंप्यूटर सेगमेंट के लिए बेस्ट बाइक चाहिए माइलेज पर्पज़ के हिसाब से तो आप प्लेटिना 100 की तरफ जा सकते हैं।